हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम लोगों के डीजे में जब कभी भी हम लोग रोड डीजे बजाते हैं या जब कभी आप मैदानों में मीटिंग्स देखते हैं, भगवती जागरण, अखंड रामायण या मंदिर में या मस्जिद में हम लोगों को हॉर्न्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लोग हॉर्न्स बजाते हैं साथ में यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जब कभी भी हॉर्न की बात आती है तो जितने भी डीजे वाले हैं या पीए लाइन से संबंधित लोग हैं उनके अंदर एक कंफ्यूजन बना रहता है कि हॉर्न कौन सा लूँ, कौन सा यूनिट लूँ जिससे कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, कौन सा हॉर्न अच्छा होगा जिससे हमारी आवाज़ दूर तक जाए, कौन सा यूनिट लें जो कि जल्दी ना फूके। दोस्तों, होता है कि इस लाइन का कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा लोगों के अंदर है कि ना तो वो अच्छा हॉर्न खरीद पाते हैं और ना ही वो यूनिट, या तो वो अपने दोस्तों की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं या कोई दुकानदार उनको अपने ढंग से समझाता है कि जिसमें उसमें दो पैसे उसको ज़्यादा बच जाए। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोगों ने इसी हॉर्न और यूनिट्स के बारे में बनाया हुआ है। इसमें हम आपको अपनी कंपनी के यूनिट्स के बारे में जानकारी देंगे। हमारे यूनिट्स टॉप टून कंपनी के कई रेंज आती है जिसके बारे में हम आपको बतलाएंगे, और इसके अलावा हम हॉर्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि हॉर्न कैसे ख़रीदना है, कौन सा हॉर्न हम लोगों के लिए अच्छा है, किस तरह से दुकानदार हमको बेवकूफ़ बना लेता है, इनसे आप बच सकते हो। इतना हम गारंटी लेते हैं कि अगर आज का वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको कभी भी कोई दुकानदार आपको हॉर्न को लेकर के, यूनिट को लेकर के बेवकूफ़ नहीं बना पाए। आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आप यूनिट्स हॉर्न बहुत बेहतर ले सकते हो और अपने प्रोग्राम्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग यूनिट्स और हॉर्न की पूरी रेंज को। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल माई साउंड डीजे सिस्टम से पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से एक एक करके जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे अगले वीडियोस आप तक बहुत जल्दी से पहुंचें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग आज का वीडियो यूनिट्स पर और हॉर्न की पूरी जानकारी पर। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। हम आपको आपके हॉर्न के विषय में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानें कि हम लोगों को प्रोग्रामों में दो तरह के हॉर्न दिखाई पड़ते हैं। एक वे हॉर्न जिन्हें हम लोग बेल टाइप हॉर्न या ग्लास वाले हॉर्न या बेल टाइप हॉर्न या रिफ्लेक्स हॉर्न, कई बार इन्हें मॉनिटर हॉर्न्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्न्स इंडोर्स में लगाए जाते हैं टेंट वगैरह के अंदर, तो इन्हें कई बार हम लोग इंडोर हॉर्न्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे को मार्केट में दूसरे टाइप के हॉर्न्स जिन्हें कि हम ट्रम्पेट हॉर्न बोलते हैं, जो कि लंबे से होते हैं, ये आपको दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें दोस्त लंबी नाली का हॉर्न या कई बार आउटडोर कहते हैं, क्योंकि ये जब मैदानों में मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो इस टाइप के हॉर्न्स को मजबूती के साथ इनसे बांध दिया जाता है। दोस्तों, जनरली हॉर्न दो क्वालिटी के होते हैं। एक वो जो लोहे की चद्दर के बने हुए होते हैं, इन पर पेंट होता है और ये सस्ते भी होते हैं। दोस्तों, दूसरे टाइप के हॉर्न एल्यूमिनियम के होते हैं, ये मजबूत भी होते हैं, इनकी जंग भी नहीं लगती है, चमकदार बने रहते हैं, ज़्यादातर लोग इन्हीं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग लोहे का इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, उन्हें लगता है हमारा कम पैसे में काम हो जाएगा, जबकि इसकी निकलने वाली आवाज़ काफ़ी तीखी होती है क्योंकि इसकी चद्दर काफ़ी हार्ड होती है, इसकी वजह से इसकी आवाज़ काफ़ी तीखी होती है। इसके अलावा जब हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, दोस्तों इसकी आवाज़ काफ़ी मीठी होती है, खनकदार होती है और क्लियर होती है, और इसमें जंग लगने का भी डर नहीं होता है। दोस्तों, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि जितना बड़ा हॉर्न होगा, हॉर्न के घेरे का साइज़ होगा, उतना ही अच्छा साउंड निकलेगा, जबकि दोस्तों ऐसा कतई नहीं है। यदि यूनिट हमारा हल्का है तो ये घेरा क्या अपने आप साउंड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। एक इस चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंपनियाँ बहुत सारे साइज़ों के हॉर्न इसलिए सिर्फ बनाती है
कि हमारे को किस तरह की हॉर्न और कितनी जगह में हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम लोगों को रोड डीजे में जब गाड़ियां बांधते हैं तो उसमें हमारे पास जगह कम होती है, तो हम लोग 12 इंच का साइज़ का या कई बार 15 इंच के साइज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों सिर्फ ये साइज़ जो है ज़्यादातर ज़रूरी हम लोगों को जगह की आवश्यकता के हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोग्रामों में आप देखते हो मैदानों में आपको साइज़ 18 इंची 20 इंची 22 इंची और 24 इंची के हॉर्न्स का प्रयोग होता है। दोस्तों इनका प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, अगर हॉर्न का घेरा छोटा है, हॉर्न का घेरा छोटा है तो आवाज़ सीधे थ्रो करेगी, जबकि यदि हॉर्न का घेरा बड़ा है तो आवाज़ फैल जाती है मैदानों में। दोस्तों इसलिए इस चीज़ को कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें कि अगर घेरा बड़ा है तो ही आवाज़ बड़ी होगी, नहीं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चुनिए और प्रयोग करिए। दोस्तों हॉर्न लेते समय एक जगह पर कन्फ्यूज़न फिर से क्रिएट होता है। ग्राहक लेने तो घर से अच्छा ही चलता है, पर मार्केट में कन्फ्यूज़न यहाँ पर आता है कि मार्केट में उसको कई बार छोटे साइज़ का हॉर्न उसे महंगा मिल रहा होता है, जबकि उससे कम पैसे में उसे मार्केट में बड़े साइज़ का हॉर्न मिल रहा होता है। पर वास्तविकता में क्या होता है कि जो बड़े साइज़ के हॉर्न होते हैं सस्ते कीमत वाले, वो इनकी चद्दर बहुत ही हल्की होती है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो ये दब रहा है। लोगों को लगता है कि हम कम पैसे में ज़्यादा बड़ा साइज़ ले आए, वो इसको लेकर के भी दुकानदार पे डाउट करते हैं। इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस क्वालिटी को ज़रूर देखें, जबकि अगर छोटा भी है और उसका देखें कितना मजबूत है। इससे साउंड में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, यदि चद्दर हल्की है तो आपकी आवाज़ उतनी खनकदार नहीं मिलेगी, आवाज़ भन्नाती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, इसलिए इतना इसको भी लेते समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों ये हॉर्न जो हल्के हैं एक तो आवाज़ भी परेशानी करते हैं, दूसरा ये कमज़ोर होते हैं, जल्दी टूटते भी हैं और जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जल्दी टेढ़े भी हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ट्रम्पेट हॉर्न के पीछे का नाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कई तरह की नालियाँ दिख रही हैं। दोस्तों नाली के बारे में भी एक गलत फहमी लोगों को बहुत होती है कि जितनी लंबी नाली होगी उतनी ही ज़्यादा आवाज़ निकलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस सोच के कारण लोग कई बार दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसे दे करके नालियाँ बड़ी ले लेते हैं। दोस्तों मार्केट में इस तरह की आपको रंगीन कई अलग अलग रंगों की नालियाँ लंबी सी दिख जाएंगी, जो कि उतनी अच्छी साउंड की क्वालिटी नहीं देते हैं, जबकि कंपनी के हॉर्न के साथ जो नालियाँ कंपनी देती है वो नालियों काफ़ी अच्छी होती हैं, उनकी साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलती है, वो डबल जोड़ पर बनी होती हैं जिससे साउंड बहुत अच्छा निकलता है। दोस्तों कंपनी नाली के पीछे पीतल का एक काफ़ी हैवी गुल्ला लगाती है, जबकि सस्ती और बड़ी लोकल नालियों में गुल्ला काफ़ी हल्का होता है। कंपनियां केवल अलग अलग रंग की पेंट करके अट्रैक्टिव बना करके बना देती हैं, या कई बार मार्केट में और हल्का गुल्ला जैसा लोहे का दिख रहा है वैसा भी लगा देती है कंपटीशन में। दोस्तों मार्केट में कट साइज़ की नालियां भी आती हैं सस्ते पैसे सस्ते के चक्कर में। दोस्तों कई बार ग्राहक घेरा तो बड़ा ही रखता है पर वो कहता है कि मुझे कम पैसे में मिल जाए, तो ऐसे में कई बार दुकानदार नालियां बदल करके उन्हें कम पैसे में बड़ा घेरे का भी बेच देते हैं, पर जिससे साउंड उतना अच्छा नहीं निकलता है। दोस्तों कंपनी की नाली में जो गुल्ले लगे होते हैं कई बार कंपनियां उनमें वेल्डिंग करके जोड़ देती हैं, जिससे गुल्ले ज़्यादा मजबूत होते हैं, उन पर घूमते नहीं हैं, यूनिट के साथ पकड़ मजबूत बनाते हैं, जिससे साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। दोस्तों हॉर्न के साथ हम लोगों को फिटिंग की क्लैंप और पत्तियां भी साथ में मिलती हैं।
दोस्तों हॉर्न की जानकारी के बाद हम आपको उसमें लगने वाले यूनिट के विषय में बताते हैं। दोस्तों लोगों को यह लगता है कि हॉर्न का घेरा बड़ा ले लें और लंबी नाली ले लें तो आवाज़ ज़्यादा होगी, पर वास्तविकता में आवाज़ तो यूनिट के दम पर ही निकलती है। दोस्तों मार्केट में बहुत से सस्ते या बहुत महंगे यूनिट मिल जाएंगे। दोस्तों हम आपको हमारी टॉप टून कंपनी के यूनिट की रेंज के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों हमारे यूनिट बहुत ही अच्छी क्वालिटी और हैवी मैग्नेट पर बने होते हैं, जिनको आप आगे कभी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये काफ़ी उचित रेट में मिलते हैं। इनकी आवाज़ बहुत खनकदार और मीठी निकलती है। ख़राब होने पर आप खुद ही आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। कंपनी के ओरिजिनल डायफ्राम भी आते हैं। दोस्तों ये है टॉप टून कंपनी का TDU 55 वाट मॉडल नंबर, जिसकी आउटपुट 55 वाट है और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। और ये है दोस्तों 80 वाट, जिसका मॉडल नंबर है TDU 80। 16 ओम्स पर ये सभी यूनिट्स बने होते हैं। दोस्तों ये 100 वाट का यूनिट, जिसका मॉडल नंबर TDU 100 है। ये काफ़ी वजन में हैवी है, बड़ी मशीन से चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दोस्तों जब कभी हम लोग मैदान में लंबी दूरी के लिए यूनिट्स यूज़ करते हैं तो इन्हें हम LMT यूनिट्स बोलते हैं, LT यूनिट बोलते हैं। इसका मॉडल नंबर TDU S60XT है, जो कि मशीनों के पीछे LT लाइन से जोड़ी जाती है। दोस्तों ये कंपनी का डायफ्राम है, जो बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉपर वाइंडिंग पर बना होता है, कैप्टन पेपर पर है। इनमें से इन सारी रेंज में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मशीन की वाटेज के हिसाब से आप यूनिट्स को प्रयोग करके बेहतरीन आवाज़ पा सकते हो। ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में हम इन चारों यूनिट्स की क्वालिटी के बारे में एक एक कर पूरी तरह से बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि साधारण यूनिट को लंबी दूरी का यूनिट कैसे बनाएं, और दोस्तों इसमें लगने वाले यूनिट के डायफ्राम के बारे में भी बताएंगे। आज आपने हमारे इस वीडियो में हॉर्न के बारे में पूरी जानकारी पाई, हॉर्न हमें कैसे ख़रीदना चाहिए, हॉर्न में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और टॉप टून कंपनी के यूनिट्स की फुल रेंज के बारे में पूरी रेंज जानी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा उस पर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आप जब कमेंट करते हो तो हमारी ताकत बढ़ती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम प्रयास भी करते हैं कि हर कमेंट्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें। दोस्तों आज के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बांटें उनसे, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकें। दोस्तों आप हमारे चैनल्स को अभी अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे अगले वीडियो आप तक पहुँचें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी, नए प्रोडक्ट के साथ में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।